हेलो, इनक्रिप्शन आपके पास एक मेथड का नाम है, इनक्रिप्शन एक आपके पास मेथड का नाम है, मेथड ऑफ सिक्योरिटिंग डेटा, मेथड ऑफ सिक्योरिंग डेटा, मेथड ऑफ सिक्योरिंग डेटा। बच्चों ये तुम्हारे पास सेंडर है, ये तुम्हारे पास रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर। सेंडर रिसीवर को जो भी डेटा सेंड करेगा वो डेटा साइफर टेक्स्ट में जाएगा। अब आप बोलेंगे सर साइफर टेक्स्ट क्या है? याद रखना बच्चों दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं आपके पास, एक टेक्स्ट होता है प्लेन टेक्स्ट और एक टेक्स्ट होता है क्या, साइफर टेक्स्ट। एक टेक्स्ट होगा प्लेन टेक्स्ट और एक होगा क्या, साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट लोगों को समझ आता है, हाँ जरा जूम कर दूं मैं, प्लेन टेक्स्ट लोगों को समझ आता है, वो टेक्स्ट जो लोगों को समझ आएगा वो क्या कहलाएगा, प्लेन टेक्स्ट यानी कि अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट। वो टेक्स्ट जो किसी को समझ नहीं आएगा वो क्या कहलाएगा, साइफर, क्या कहलाएगा, साइफर। बच्चों दोबारा सुन लो, वो टेक्स्ट जो आप सबको समझ आता है वो कहलाता है प्लेन टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो किसी को समझ नहीं आता वो क्या कहलाता है, साइफर। सिंपल है ना बच्चों? सेंडर जो है वो डेटा को सेंड करेगा, प्लेन टेक्स्ट के साथ एक की मिला देगा, प्लेन टेक्स्ट के साथ एक क्या मिलाएगा बच्चों, की मिलाएगा। की का मतलब है वो तरीका जिससे डेटा कन्वर्ट हो रहा है, जिससे डेटा क्या हो रहा है, कन्वर्ट। बच्चों सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट के साथ क्या मिला दिया, की मिलाई, डेटा प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट हो गया किसमें, साइफर में। डेटा प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट हो गया किसमें, साइफर में। अब इंटरनेट पे जो भी डेटा जा रहा है वो किसमें जा रहा है, साइफर टेक्स्ट में। अब इंटरनेट से जो भी डेटा जा रहा है वो किसमें जा रहा है बेटा, साइफर टेक्स्ट में। रिसीवर के पास भी कौन सा टेक्स्ट मिला, साइफर। साइफर रिसीवर को समझ आएगा या नहीं समझ आएगा, नहीं आएगा ना, तो भाई रिसीवर इसको वापसी क्या करेगा, रीकन्वर्ट करेगा, वापसी रीकन्वर्ट करेगा फ्रॉम साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, फ्रॉम साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। ये जो वापसी रीकन्वर्ट करते हैं ना इसको बोलते हैं डीक्रिप्ट करना। क्या करना बच्चों, डीक्रिप्ट करना, क्या करना बेटा, डीक्रिप्ट करना। और सेंडिंग एंड पे जो तुमने करा है इसको तुमने क्या बोला, इनक्रिप्ट करना। क्या करना बेटा, इनक्रिप्ट करना। सेंडिंग एंड पे इनक्रिप्ट होगा, रिसीविंग एंड पे डीक्रिप्ट होगा। सेंडिंग एंड पे इनक्रिप्ट होगा, रिसीविंग एंड पे डीक्रिप्ट होगा। सेंडिंग एंड पे इनक्रिप्ट होगा, रिसीविंग एंड पे डीक्रिप्ट होगा। मैं बताता हूँ ना बेटा, सबर तो करो, अब इसको आसान करते हैं जरा, आराम से देखना बच्चों। सेंडर के पास प्लेन टेक्स्ट, सेंडर के पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट को वो कन्वर्ट कर रहा है साइफर में। क्यों? ताकि जो हैकर है ना उसको कुछ भी समझ ना आए, ताकि जो हैकर है उसको कुछ भी समझ ना आए। जब बेटा रिसीवर के पास हैकर वो रिसीवर के पास साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा तो रिसीवर को भी समझ नहीं आएगी, लेकिन रिसीवर के पास एक क्या होगी बेटा, की होगी। रिसीवर साइफर टेक्स्ट के साथ जैसे ही की लगाएगा तो वापसी कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में। और रिसीविंग एंड पे ये कहलाता है डीक्रिप्ट, सेंडिंग एंड पे ये कहलाता है इनक्रिप्ट। क्लियर है? अब इसकी डायग्राम थोड़ा सा और बना के आपको बेहतर शो कर, जरा देखो बोर्ड पे बच्चों, बच्चों बोर्ड पे देखे सारे, हाँ हो सकती है बिल्कुल, अभी हम पढ़ेंगे, सारे बोर्ड पे देखिएगा। पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी कराऊ आपको। हाँ बच्चों दो तरीके के टैक्स है आपके पास, टू टाइप्स ऑफ टैक्स है आपके, कौन कौन से टैक्स, मैं कह रहा हूँ दो तरीके के टैक्स है, कौन कौन से, प्लेन और साइफर। प्लेन टैक्स कौन सा टैक्स होता है, जो सबको समझ आएगा, यानी कि लिख दो अंडरस्टैंडेबल टैक्स। और बच्चों साइफर टेक्स्ट कौन सा हो, जो किसी को समझ नहीं, कोडेड फॉर्म में, नॉट अंडरस्टैंडेबल। क्या बोला मैंने, नॉट अंडरस्टैंडेबल। क्लियर है बच्चों? अब जरा सुनना, सेंडिंग एंड पे आप प्लेन टेक्स्ट के साथ जब की मिला दोगे तो ये वाली चीज कहलाता है इनक्रिप्ट। ये क्या कहलाता है बच्चों, इनक्रिप्ट है ना। जब तुम प्लेन टेक्स्ट के साथ की मिलाओगे ये क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट। और बेटा इनक्रिप्ट हमेशा सेंडिंग एंड पे होगा, रिसीविंग एंड पे साइफर टेक्स्ट के साथ जब तुम की मिला दोगे तो ये कहलाता है क्या, डीक्रिप्ट होना। क्या होना बच्चों, डीक्रिप्ट होना। क्या होना बेटा, डीक्रिप्ट। डीक्रिप्ट क्यों करें, ताकि रिसीवर को समझ आए। इनक्रिप्ट क्यों करें, ताकि हैकर को समझ ना। अब इसको एक और डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये रहा सेंडर, सेंडर डेटा सेंड कर रहा है,
जब सेंटर डेटा सेंड करेगा तो बच्चों प्लेन टेक्स्ट को की के साथ मिलाएगा, जैसे प्लेन टेक्स्ट और की मिलेगी तो किसमें कन्वर्ट होगा, साइफर टेक्स्ट, है ना। और अब जो डेटा ट्रेवल होगा पूरे रास्ते या पूरे ट्रांसमिशन में वो साइफर टेक्स्ट जा रहा होगा, यही है ना, क्या जा रहा होगा, साइफर। रिसीविंग एंड पे अभी भी डेटा जो पहुंचा है वो साइफर पहुंचा है, साइफर के साथ तुम क्या मिलाओगे बच्चों, की मिलाओगे, क्या मिलाओगे, की। तो अब ये वापसी कन्वर्ट होगी किसमें, प्लेन में, समझ आइए सबको। तो बच्चों सेंडिंग एंड पे जो हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इनक्रिप्ट करना, और रिसीविंग एंड पे जो हुआ है इसको क्या बोलते हैं बेटा, डीक्रिप्ट करना, सही। अब आपसे सवाल होगा फिर इनके पास कीज कहां से आएगी, इनक्रिप्शन कीज कहां से आएंगी। बच्चों याद रखना यहां पर एक सेंटर होता है उसका नाम होता है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, क्या नाम होता है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेंडर को और रिसीवर को अलग रास्ते से की डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेंडर और रिसीवर को अलग रास्ते से की सेंड करेगा। जब सेंडर और रिसीवर के पास दोनों के पास की होंगी तो वो डेटा बड़ी आसानी से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा, क्लियर है बच्चों। आपके पास यहाँ पर टॉप पे यहाँ पर आपके पास एक हैकर बैठा हुआ है, हैकर, मुझे बताओ हैकर को समझ आएगा नहीं आएगा, क्यों, साइफर टेक्स्ट है, क्योंकि क्या है बेटा, साइफर, क्या है बेटा ये, साइफर। बच्चों यहाँ पर डिफरेंट इंक्रिप्शन की टेक्निक भी इस्तेमाल होती है, वो जो इंक्रिप्शन की टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन अलगोरिथम, क्या बोलते हैं बेटा, इंक्रिप्शन अलगोरिथम, द वे बाय विच द डेटा गेट इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्शन को यानी कि डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, उन मेथड को बोलते हैं इंक्रिप्शन अलगोरिथम, क्या बोलते हैं बेटा, इंक्रिप्शन अलगोरिथम, इंक्रिप्शन अलगोरिथम। अब यहां पर सुकून से देखिए, अब ये डायग्राम समझ आ रही है, हाँ, इंक्रिप्शन की डेफिनेशन बोलो बच्चों क्या है, मेथड ऑफ सिक्योरिंग डेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट आर देयर, टू, नंबर वन प्लेन टेक्स्ट, नंबर टू बेटा प्लेन टेक्स्ट की डेफिनेशन बोलो, मीनिंगफुल टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन बोलो, मीनिंगलेस टेक्स्ट और नॉट अंडरस्टैंड। बच्चों सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट को की के साथ मिलाया, क्या बनी बेटा, इनक्रिप्ट, क्या हुआ ये, इनक्रिप्ट, इनक्रिप्टेड डेटा यानी कि साइफर टेक्स्ट का डेटा रिसीविंग एंड तक पहुंचा, हैकर उसको नहीं समझ सकता, हैकर उसको नहीं समझ सकता। रिसीविंग एंड पे क्या हुआ है, साइफर प्लस प्लेन हो गए, डेटा क्या हो गया, डिक्रिप्ट हो गया। बच्चों यहाँ पर इंक्रिप्शन के कुछ अल्गोरिदम है, कुछ मेथड है, पहले अल्गोरिदम का नाम क्या है, MD4, MD5, दूसरे का नाम क्या है, हैशिंग अल्गोरिदम, फिर क्या है बेटा, AES, ये तीनों में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूँ। इंक्रिप्शन समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो तरीके की इंक्रिप्शन होती है, कॉपी नहीं करें, इंक्रिप्शन अल्गोरिदम एक ऐसी टेक्निक करा, जैसे बेटा जब डेटा आप सिक्योर या डेटा आप जो रास्ते भर भेज रहे हो ना, इसको की प्रोवाइड करना, किस तरीके से इनक्रिप्ट होगा, किस तरीके से डिक्रिप्ट होगा, इस पूरे मेथड को इनक्रिप्शन एल्गोरिथम कहते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं, MD4, MD5, हैशिंग और AES। सबसे ज्यादा जो अनस्टॉपेबल होता है ना या इम्पॉसिबल टू ब्रेक होगा वो होगा हैशिंग। क्या होगा, हैशिंग इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक, जिसमें सारी चीजें हैश में बनेंगी, जब हैश में इनक्रिप्ट होगा कितना मुश्किल है इसको डिक्रिप्ट करना। जैसे पासवर्ड नहीं होता, चार कैरेक्टर लिखे चार हैश आ गए, हर कैरेक्टर को क्या बनाएगा, ये एक हैश बनाएगा। तो ये कहता है मैं इम्पॉसिबल टू ब्रेक हूं, अगर आपने मुझे यूज करा तो मैं ब्रेक नहीं करूंगा। चलो आगे बच्चों, इनक्रिप्शन समझ आ गया, पक्की बात है। बच्चों ये कोई डेफिनेशन है, ये लिखा हुआ है आपके पास, अगले पेज पे आना, देखिए भी आया ना, पेज नंबर बताओ, 124। चलो बच्चों इनक्रिप्ट की डेफिनेशन लिखो, कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, है ना भाई, प्लेन को साइफर में कन्वर्ट करना विद द की। डिक्रिप्ट की डेफिनेशन क्या है, कन्वर्ट बैक साइफर टेक्स्ट into plain text। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ रहे हैं आपको, चैट पे बताएं।
ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ आ रहा है? ये कौन? मलिक मायू अभी तक अंदर नहीं आया। लो भाई लो, पेज नंबर 124। चलो बच्चों, इंक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या लिखी है आप लोगों ने? वे बाय विच डेटा इज इनक्रिप्टेड। वे बाय विच डेटा इज इनक्रिप्टेड। बच्चों इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या लिखी? मेथड और एल्गोरिथम बाय विच डेटा इज इनक्रिप्टेड, MD4 हैशिंग और MD5। चलो आगे बच्चों, चले आगे। बच्चों प्लेन टेक्स्ट की डेफिनेशन देख रहे हो बेटा? टेक्स्ट और नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बिफोर इट गोज एन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। मीनिंगफुल लिख लिया आप लोगों ने 124, और बेटा साइफर के बारे में भी लिख लिया मीनिंगलेस। चलो आगे, ऐसे दिया आप लोगों ने। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये कौन सा पेज है बेटा आपके पास? वही वाला पेज है 125। बच्चों पेज नंबर 125 पे आइएगा, पेज नंबर 125। बेटा सवाल के अंदर बड़ा ट्रिकी सवाल है। इस सवाल के अंदर आपको एक प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों, सही है? जूम कर रहा हूँ, प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है। ये रहा प्लेन टेक्स्ट में ए को, साइफर टेक्स्ट में ए को कह रहा है वो ई। क्या कह रहा है बच्चों? ई। बच्चों बी को कह रहा है एफ, बच्चों सी को कह रहा है जी, बच्चों डी को कह रहा है एच, ई को कह रहा है आई, एफ को कह रहा है जे, जी को कह रहा है के। सही है? ऊपर वाला प्लेन है, नीचे वाला साइफर है। साइफर कर लो, नीचे वाले को लिखो बेटा साइफर। अच्छा अब बेटा आपके पास सवाल क्या है? सवाल है आई लव, वैसे तो वैलेंटाइन गुजर गया लेकिन फिर भी वो कह रहा है आई लव कंप्यूटर साइंस। आई को बेटा रिप्लेस करा उसने किससे? एम से। कैसे? इधर देखो आई ये रहा, ऊपर वाले को देखते हुए नीचे वाला नाम निकालना है, ऊपर वाले को देखते हुए नीचे वाला अल्फाबेट निकालना है। यानी कि आई था, आई को उसने एम से रिप्लेस कर दिया। देख रहे हो आई को किससे रिप्लेस किया? एम से। तो प्लेन का साइफर बन गया। हाँ सेम गोज विद एल। एल को देखो क्या है, एल को रिप्लेस करना है पी से, तो एल को रिप्लेस कर रहे हैं किससे बेटा? पी से। लड़को समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ रहा है? बच्चों आगे लिखा हुआ ओ, ओ ढूंढो, ओ का है गेरा। नीचे वाले को नहीं देखना, ऊपर वाले को देखना है। दोबारा सुनना, प्लेन से साइफर हो रहा है तो ऊपर वाले टेक्स्ट को देखते हुए उसके नीचे वाला सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो ओ को देखते हुए ओ को रिप्लेस करा किससे बेटा? एस। को समझ आ रहा है? चलो
आगे खुद कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा? बन जाएगा बेटा आपसे, सब बच्चों से। तो बेसिकली प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट से कन्वर्ट किया। ये जो तुम्हारे पास है ना, ये है तुम्हारे पास क्या, ये है इंक्रिप्शन की। ये क्या बेटा? इंक्रिप्शन की। ऑफसेट का मतलब है चार डिजिट आगे, ऑफसेट का मतलब है चार डिजिट आगे, ऑफसेट का मतलब है चार डिजिट आगे। चार डिजिट आगे का मतलब क्या? देखो ए का ई हो रहा है ना, चार डिजिट आगे ना, फिर बी का क्या हो रहा है? एफ। चलो बच्चों आगे, चल बच्चों की जरा ये देखिए, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के बारे में आपको जरा थोड़ा सा बताते हैं। देखो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, अच्छी तुम सवाल करते थे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है। ये रहा, कौन से पेज पे लिखा भाई? 126 पे, 126 पेज नंबर 126 भाई। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम टेक मैसेज और द की एंड ट्रांसलेट इनटू द स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर जो किसी को समझ नहीं आएंगे, और जब जो किसी को समझ नहीं आते तो वो हेक्सा में हो जाते हैं। हेक्सा मेक्स मैसेज की नियरली इम्पॉसिबल टू रीड और इंटरसेप्ट। समझ आई बात? इंक्रिप्शन मैसेज, इंक्रिप्शन डेटा या इंक्रिप्टेड डेटा आपको कन्वर्ट कर देगा उस फॉर्मेट में जो किसी को समझ नहीं आएगा। बच्चों इसी बात को यहाँ पर याद रखिएगा, इंक्रिप्शन मेथड का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है लड़कों? हैशिंग। कौन सा है? हैशिंग। और बच्चों हैशिंग मेथड में आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? हैश। देखो राइट साइड पे क्या बनेंगे? हैश। और हैश क्या होते हैं? इम्पॉसिबल टू ब्रेक। हैशिंग एल्गोरिदम ये दावा करता है कि मुझे ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, मैं इम्पॉसिबल टू ब्रेक होगा, मैं इम्पॉसिबल टू ब्रेक होगा, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल इंक्रिप्शन डेफिनेशन, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की डेफिनेशन, कि अगर एग्जाम में आ गया कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होता है तो वो ये होता है। बच्चों नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, आप लोगों ने देखी नहीं, देखो हैशिंग एल्गोरिदम चेक करो। आकिब अगर एक पासवर्ड था और ये इनक्रिप्टेड डेटा हुआ बाय यूजिंग इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, तो बच्चों कितने हैश बन गए, देख रहे हो? आफ्टर हैशिंग डिक्रिप्ट करना बेटा उसी का काम है ना, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना हैशिंग एल्गोरिदम का ही काम है। समझ आई बात? आगे चलो बच्चों, एक और होता है MD4 सिस्टम। MD4 सिस्टम या MD5 इज एन एग्जांपल ऑफ हैशिंग एल्गोरिदम, जो कि बेटा 128 बिट स्ट्रिंग बनाएगा और 32 बिट डिजिट तक काम करेगा। ये भी किसकी टाइप है बेटा? ये किसकी टाइप है बेटा? हैशिंग। तो ये भी क्या होगा? इम्पॉसिबल टू ब्रेक होगा। क्या होगा? इम्पॉसिबल टू ब्रेक होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाए, इंक्रिप्शन की जो की होती है उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन की। Which encryption do we use? मलिक अरे बेटा पढ़ाऊंगा ना, अभी जो सिर्फ encryption को describe कर रहा हूँ, फिर दो encryption आएगी symmetric और asymmetric, वो भी पढ़ाऊंगा आज, परेशान नहीं हो आप, मैं आपको encryption सब पढ़ा के जाऊंगा। Encryption key की length, बच्चों key की length यानी कि एक बात बताओ, अगर चार बिट का डेटा, अगर बेटा साइज ऑफ बिट वन है तो टू की पावर में जब डालोगे टू की पावर वन का आंसर क्या आएगा? टू। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो। बेटा अगर साइज ऑफ की बिट जो है वो दो है तो टू की पावर टू आंसर कितना आएगा? फोर। यानी कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? चार बन सकते हैं। चार तरीकों से डेटा इनक्रिप्ट हो सकता है। आप सही है बेटा, अगर साइज ऑफ की इन बिट बेटा एट है तो टू की पावर एट का आंसर क्या आएगा? 256। इतने तरीकों से डेटा इनक्रिप्ट हो सकता है। तो बच्चों के राइट साइड पे लिखना, इनक्रिप्शन की बाइनरी बिट्स में स्टोर होती है और उसकी जितनी बिट्स होती है ना वो कहलाती है की की लेंथ। क्या कहलाती है बेटा? की की लेंथ। चलो ये वाला सवाल देखिए, आओ बच्चों ये सवाल आया आपका कब आया बेटा? स्पेसिफिक पेपर 2016 के अंदर आया था। इस सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। क्या लिखा हुआ पढ़ के बताओ? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द, यानी कि फॉक्स आई और लेजी डॉग के ऊपर से निकल गई। यही हुआ ना भाई? बच्चों सेंटेंस की एक खासियत है, ये बड़ा यूनिक सेंटेंस है, हर किसी ने सुना भाई क्यों? सारे अल्फाबेट है,
इसमें ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट मिलेंगे। जब हम फॉन्ट वगैरह चूज करते हैं ना फॉन्ट, तो उसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा होता है इशमान? क्योंकि उसमें सारे अल्फाबेट आते हैं ना भाई, मुझे ए देखना है, जेड देखना है, एक्स देखना है, इसमें सारे अल्फाबेट आएंगे। बच्चों वो आपसे कह रहा है कि टी को तुमने रिप्लेस करा अल्फाबेट एक्स किससे बेटा? जेड से। बच्चों एच को रिप्लेस कर रहे हो अल्फाबेट एक्स किससे? ए से। ई को रिप्लेस कर रहे हो जी से। क्यू को कर रहे हो टी से। यू को कर रहे हो ओ से। आई को कर रहे हो डब्ल्यू से। सी को कर रहे हो बेटा बी से। यही है ना, प्लेन को साइफर से कर रहे हो बेटा। अब यहाँ पर उसने आपको एक साइफर टेक्स्ट दे दिया। क्या दे दिया बेटा? साइफर। क्या दे दिया? साइफर। सही है। इस साइफर टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि नीचे वाले टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर रहे हो प्लेन में। चाहिए कर सकते हो, ऊपर वाला बनाना है आप। आओ बच्चों, ए ए ढूंढो, ए का है, मैं ढूंढ के दिखाऊं। ये रहा, ए का मतलब क्या है? एच। ए का मतलब क्या है बेटा? एच। हाँ, नहीं समझ आई ना बात? आओ समझाता हूं बच्चों। ए ये रहा, ए का मतलब क्या है? एच। सही है। चलो बेटा, आपको कह रहे हैं जी, ये रहा जी। जी का मतलब क्या है बेटा? ई। B का मतलब क्या है बेटा? B, B तो मिल ही नहीं रहा मुझे। ये B का मतलब क्या है? L। फिर B का मतलब क्या है? L। स्मॉल m का मतलब क्या है बच्चों? O। P का मतलब क्या है? P, P ये रहा और P ये रहा, देख रहे हो। P का मतलब क्या है? W। M, M, O, फिर क्या बेटा? U, कहाँ है U? ये रहा U। U का मतलब क्या बेटा? R, मैं लिंक भी कर रहा हूँ, सामने सामने लिखा हुआ ना। सवाल ये है तुम्हारा कि ऊपर वाले को देखते हुए नीचे वाला है, या नीचे वाले को देखते हुए ऊपर वाला है? ये सवाल है। हाँ मेरी तरफ देखें, बेटा Z का मतलब है T, हाँ एरो बनाओ। A का मतलब है H, G का मतलब क्या है? E। अब समझ आ रहे हैं? T का मतलब क्या है? Q। तो नीचे देख क्या कर रहा हूं ना, इसको देख आ रहे समझ? अब मुझे तुम बताओगी लड़की, P का ढूंढा मैंने, P मिल गया मुझे, तो मैंने P की जगह W लिखा, हाँ। फिर M, M ये रहा, M की जगह क्या लिखा? O। हाँ पहले वाले तो तब भी वही आएगा ना मेरा बेटा, ये लो M, दोनों एक ही हैं, परेशान क्यों हो रही हो? ठीक है। U, U अगर दो जगह आ रहा है तो तुम दोनों का भी लोगी तब भी आ ही आएगा। B, B ढूंढो भाई लड़कों, B का है, B ये रहा, B का मतलब क्या है? L। और फिर बच्चों आखिर में Q है, Q कहाँ है बेटा? ये रहा Q और Alt। और ये जो रिटर्न तुमने बनाया, क्या बनाया है? चलो आगे, नीचे सेम सवाल इस तरीके से आया था, कंप्यूटर साइंस को बना दो। कंप्यूटर साइंस एक आपके पास प्लेन था बच्चों, और ये क्या है बेटा तुम्हारे पास? सही है, उसी को देखते हुए बना लेना। चलो आगे बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दो तरीके की इंक्रिप्शन होती है आपके पास। एक होता है प्लेन टेक्स्ट और एक होता है क्या? साइफर टेक्स्ट। नहीं, एक होती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एक होती है क्या? एसिमेट्रिक। आइए आपको पढ़ाते हैं। अच्छा, इस पेज के नीचे ये है आपके पास लिखा हुआ, ये वाला सवाल है आपके पास, आइए लिखिए पहले। वो कह रहा है आपके पास कि SSL का मतलब क्या है? मैंने कहा SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट। लिखो, SSL अभी पढ़ाया नहीं मैंने, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट के अंदर आएगा। बट अब जब ये सवाल आ गया है तो इसको लिख के लेते। SSL is a secure socket layer for secure transmission या for secure encrypted transmission। Secure socket layer। भाई ये लो, देखिए
एरो बिकॉज येलो में क्या कह रही हूँ बिकॉज द ट्रांसमिशन इज सिक्योर इनक्रिप्टेड सो द सीक्रेट की इज सेव ओहो अच्छा अब देखिएगा बिकॉज द ट्रांसमिशन इज सेव एंड सिक्योर अब नजर आ रहा है अब आ रहा है झाइलो आ रहा है बिकॉज द ट्रांसमिशन इज सिक्योर इनक्रिप्टेड मैं मुंह से भी कह रहा हूं ना बोले Because the transmission is secure encrypted. So the secret key is safe. अभी आपने पढ़ा नहीं है ना कि secret key क्या होती है वो मैं आपको भी पढ़ा अभी होगा सीक्रेट की के अंदर ऐसी होगी बच्चों अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दो तरीके की इंक्रिप्शन होती है पहले पेज पे आ जाए वापस कौन से पेज पे थे हम लोग बेटा आओ बच्चों अब बोर्ड पे देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है बेटा दो तरीके की इंक्रिप्शन है आपके पास एक है सिमेट्रिक और एक है क्या दो तरीके की इंक्रिप्शन है एक है सिमेट्रिक और एक है क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चलो बेटा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है जरा सुनिएगा भाई बेटा आपके पास दो तरीके की इंक्रिप्शन है एक है सिमेट्रिक सिमेट्रिक के आगे मैंने लिखा हुआ है रिस्की क्या लिखा हुआ है रिस्की और ये सिमेट्रिक के अंदर मैंने लिखा हुआ है रिलायबल क्या लिखा हुआ है रिलायबल तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज नहीं करते हम कौन सी यूज करेंगे एसिमेट्रिक क्योंकि एसिमेट्रिक रिलायबल है और सिमेट्रिक क्या है रिस्की बच्चों सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सेंडर और रिसीवर के दरमियान सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सेंडर और रिसीवर के दरमियान केडीसी जो है अलग रास्ते से एक ही की प्रोवाइड करेगा उस एक की का नाम है सीक्रेट की क्या नाम है बेटा सीक्रेट की मैंने कहा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में ओनली वन की इज नीडेड टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द मैसेज ओनली वन की इज नीडेड टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द मैसेज और उस वन की का नाम क्या है क्या नाम है बेटा सी और अगर वही हैकर के हत्थे लग गई तो क्या होगा गए ना आप लोग है ना भाई डेटा इनक्रिप्ट हो गया ना तो बच्चों यही बात आपको समझा रहे हैं कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सिर्फ एक की ही चाहिए होगी डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए मैंने एग्जांपल भी बना के देखी जरा देखो बेटा मैंने कहा सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट को सीक्रेट की के साथ इनक्रिप्ट करा सही और वही केडीसी जो है वो दूसरी एंड पे भी आपको सीक्रेट की दे दी और यहाँ पर भी बेटा रिसीवर के पास भी आ गया बट अगर व्हाट इफ के हैकर के हाथ भी सीक्रेट की लग गई तो डेटा क्या हो जाएगा इनक्रिप्ट हो जाएगा या डिक्रिप्ट हो जाएगा और बड़ी आसानी से आपकी सिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी सही है सिमेट्रिक की सिमेट्रिक इनक्रिप्शन अच्छा है बुरा है मतलब बस काम चलाने के लिए सही अदरवाइज ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते बच्चों अब हम एक और टेक्निक लेके आ रहे हैं वो है क्या एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन रिलायबल है क्यों एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में दो की इस्तेमाल होगी एक होगी पब्लिक और एक होगी क्या प्राइवेट एक होगी पब्लिक और एक होगी क्या प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट की को जरा समझिएगा बच्चों सेंडर और रिसीवर दोनों के दरमियान डेटा ट्रांसमिट होगा हाईली सिक्योर बट इन दोनों के दरमियान जो डेटा जा रहा है बेटा सेंडर डेटा सेंड करेगा रिसीवर की पब्लिक की रिसीवर की कौन सी की बेटा देखो आर की क्या बेटा पब्लिक की और अपनी क्या बेटा प्राइवेट की समझ आई बात मैंने कहा सेंडर जो डेटा सेंड करेगा ना तो रिसीवर की क्या यूज करेगा पब्लिक की और अपनी क्या यूज करेगा प्राइवेट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कीज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द की ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा इनक्रिप्ट करना क्या करना इनक्रिप्ट करना अब डेटा चले गया रिसीवर के पास रिसीवर अपनी प्राइवेट की से और पब्लिक की तो बेटा सेंडर की भी हो सकती है रिसीवर अपनी प्राइवेट की से और सेंडर की पब्लिक की से क्या करेगा डिक्रिप्ट करेगा क्या करेगा डिक्रिप्ट बच्चों
स्टेप वन और स्टेप टू में कोई मसला तो नहीं है। स्टेप थ्री क्या होगा इशफाक? दोनों की प्राइवेट की कोई मसला थोड़ी है। प्राइवेट की बेटा अपने पास होगी हमेशा, प्राइवेट की हमेशा अपने पास होगी, पब्लिक की से डेटा सेंड होगा। हैकर के हाथ पे भी लगेगी तो क्या लगेगी बेटा? पब्लिक की लगेगी, और पब्लिक की से डेटा कभी भी अनलॉक नहीं होगा। पब्लिक की से कभी डेटा अनलॉक नहीं, अनलॉक वर्ड रख रहा हूं मैं अनलॉक ताकि आपको समझ आए। डिक्रिप्ट नहीं होगा, डिक्रिप्ट हमेशा होगा किससे? प्राइवेट की और पब्लिक की कॉम्बिनेशन से, और प्राइवेट एंड पब्लिक की सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास। अब बच्चों हाँ? नहीं दोनों नहीं आ सकते क्योंकि अलग रास्ते से आएगा, इतना भी तो नहीं होगा ना एडवांस के दोनों चुरा ले। अब सुनो अच्छा, ये भी ना एट द टाइम ऑफ सेशन स्टार्ट होता है ना उस वक्त डेवलप, तो हैकर इतनी आराम से नहीं कर पाएगा, सेशन एक्सपायर हो जाएगा। बच्चों इस बात को जरा देखो, शुरू से लेके चल रहा हूँ, नीचे स्टेप भी लिखे हुए। सेंडिंग एंड पे डेटा जब सेंड हो रहा है तो अपनी प्राइवेट की से और सामने वाले की रिसीवर की किससे बेटा? पब्लिक की से सेंड हो रहा है। रिसीविंग एंड पे जब पहुंचा, रिसीविंग एंड पे जब पहुंचा, स्टेप नंबर टू पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रिसीविंग एंड पे जब पहुंचा तो डेटा डिक्रिप्ट होगा और सेंडर की भी। स्टेप वन स्टेप टू में कोई मसला है? स्टेप थ्री बताओ मुझे, रिसीवर वापसी डेटा सेंड कर रहा है किसको? सेंडर को। तो बच्चों जो सेंड कर रहा होता है ना सामने वाले की क्या यूज करूंगा? पब्लिक की। तो बेटा स्टेप नंबर थ्री में मैंने कहा फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर, सेंडर की मैं क्या यूज करूंगा? पब्लिक की। क्या यूज करूंगा? पब्लिक की। अब बेटा रिसीविंग एंड पे आ गया स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर रिसीविंग एंड पे आ गया। रिसीविंग एंड पे रिसीवर अपनी, रिसीवर अपनी प्राइवेट, अपनी सॉरी रिसीव क्या कह रहा हूँ, यहाँ से रिसीवर टू सेंडर होगा ना, मतलब अगर रिसीवर से जब मैं डेटा यहाँ भेजूंगा तो ये रिसीवर बेसिकली सेंडर बन गया, ये मैं कह रहा था। मैं कह रहा हूँ जब रिसीवर वापसी डेटा भेज रहा है तो बच्चों ये सेंडर बन गया ना, तो सेंडर अपनी प्राइवेट की से करेगा, ये मैं समझा रहा हूँ। वो डेटा भी भेजा है, ये डिक्रिप्ट होगा। क्या होगा? डिक्रिप्ट। इसकी मैं एक आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि सेंडर रिसीवर को बनता ना। फॉर एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारे पास सेंडर, बच्चों ये तुम्हारा सेंडर है, ये तुम्हारा रिसीवर है। चलो स्टेप नंबर वन, सेंडर से रिसीवर के पास जा रहे हैं, स्टेप नंबर वन क्या होगा बेटा? सेंडर अपनी अपनी प्राइवेट और सामने वाले की क्या, रिसीवर की क्या बेटा? पब्लिक की भेजेगा। अब सही है, ठीक है। स्टेप नंबर टू यहाँ आएगा, स्टेप नंबर टू रिसीवर्स एंड पे, यहाँ एट रिसीवर्स एंड क्या होगा आगे बताओ? रिसीवर अपनी किससे करेगा बेटा? रिसीवर अपनी प्राइवेट की से डेटा डिक्रिप्ट करेगा। अब ठीक है, सही है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अब वापसी करना है हमें, डेटा वापसी जा रहे हैं। हाँ जब डेटा वापसी जाएगा यूं करके तो बच्चों ये इस वक्त रिसीवर बन गया, रिसीवर डेटा सेंड कर रहा है किसको बेटा? सेंडर। तो बच्चों इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं नंबर थ्री, तुम बताओ बच्चे वाले की पब्लिक की इस्तेमाल करते ना। स्टेप नंबर थ्री में सामने वाला कौन है, डेस्टिनेशन कौन है? सेंडर। तो सेंडर की क्या यूज करोगे आप? पब्लिक। और रिसीवर अपनी क्या यूज करेगा? प्राइवेट। प्राइवेट की यूज करना फजूल है, एक्चुअल में ये है सामने वाले को, मतलब डेस्टिनेशन वाले की क्या यूज करोगे? डेस्टिनेशन वाले की क्या यूज करोगे बेटा? पब्लिक। डेस्टिनेशन की क्या यूज करोगे? पब्लिक। चाहे सेंडर से रिसीवर पे जाए तो रिसीवर की पब्लिक की, और अगर रिसीवर से सेंडर पे आएगा तो सेंडर की पब्लिक। बच्चों अब सेंडिंग एंड पे क्या होगा इस्तेमाल, सेंडिंग एंड पे क्या होगा? एट सेंडर्स एंड डेटा डिक्रिप्ट करना, बताओ किसकी? सेंडर की। सेंडर अपनी प्राइवेट की से डेटा डिक्रिप्ट करेगा, चाहिए इसको और आसान करते हैं। अभी भी मसला हो रहा है, हो रहा है ना, बस मैं हो रहा है, मैं दो स्थान बनाता हूँ, अब समझ आएगा। ये रहा आके, ये रहा सलमान, अलग नाम रखते, ठीक है। बच्चों पहले स्टेप के अंदर जब मैं डेटा सेंड करूंगा
तो क्या होगा, थोड़ा बताओ एसिमेट्रिक में। सलमान की, सलमान लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ, सलमान की क्या यूज करूंगा, शाबाश, सलमान की पब्लिक की से मैं डेटा को इनक्रिप्ट करके भेज दूंगा, कितना आसान। स्टेप नंबर टू क्या होगा बच्चों, ओहो पहले सलमान उसको डिक्रिप्ट तो करेगा ना बच्चों, सलमान स्टेप नंबर टू, हाँ ये स्टेप वन हो गया, स्टेप नंबर टू यहाँ लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर टू में क्या होगा, सलमान अपनी किससे बेटा, प्राइवेट से, इस्माइल सलमान अपनी किससे करेगा बेटा, प्राइवेट की से डेटा डिक्रिप्ट करेगा, ये हो गया दो स्टेप। अब यही दो स्टेप उधर आखिर के लिए होंगे बेटा। अब सलमान वापसी डेटा सेंड कर रहा है किसको, आकिब को, स्टेप नंबर थ्री। अब बताओ स्टेप नंबर थ्री में सामने वाले की पब्लिक की, यानी कि आकिब की क्या बेटा, पब्लिक। आपने कहा कि भाई सलमान तुम आकिब की पब्लिक की इस्तेमाल करके डेटा को इनक्रिप्ट करके भेज दो। अब जब आकिब के पास डेटा आएगा तो आकिब क्या करेगा, यहाँ आकिब अपनी प्राइवेट की को, आकिब अपनी प्राइवेट की को इस्तेमाल करते हुए डेटा क्या करेगा, आप समझ आ गया, ये कहलाता है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक। देखो यहाँ पर तरीके से देखो, पहले स्टेप के अंदर सेंडर ने रिसीवर को जब भेजा तो इनक्रिप्ट कराया और रिसीवर की क्या हिस्ट्री बेटा, पब्लिक। तुम्हें समझ आ गई, दो दफा नहीं, हम कह रहे हैं दोनों टू वे कम्युनिकेशन। तुम अगर सिर्फ भेजोगी तो स्टेप वन स्टेप टू पे होगा, और अगर वापसी आ रहा होगा तो स्टेप थ्री स्टेप फोर। अब सही है, डेटा अगर सिर्फ गया है तो ये स्टेप वन स्टेप टू की बात होगी। मैंने तो पूरा कंटिन्यू प्रोसेस दिखाया ना, वापसी भी आ रहा है, चलता रहेगा, ठीक है। सेंडर से रिसीवर के दरमियान गया तो रिसीवर की पब्लिक की, फिर रिसीवर ने अपने एंड पे क्या करा बेटा, अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट कर लिया। अब डेटा वापसी आ रहा है, जब वापसी आ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, सेंडर की पब्लिक की, देख रहे हो, ये रिसीविंग एंड से सेंडर की क्या हो रही है, पब्लिक की, और सेंडिंग एंड पे डिक्रिप्ट कैसे होगा, सेंडर अपने क्या यूज करेगा, प्राइवेट। कोई मसला तो नहीं है बच्चों, चलो आगे। आप बताओ कौन सा रिलायबल है आपके लिए, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। बेटा जितनी भी कम्युनिकेशन अब होती है ना, सब लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एसिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि एसिमेट्रिक इज रिलायबल, एसिमेट्रिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सब के सब अभी तक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिमेट्रिक। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिमेट्रिक। हाँ, कंप्यूटर की ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है, कंप्यूटर का नहीं होता, डेटा को जो ट्रांसमिट करते हैं उसका प्रोसेस होता है। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों, एग्जाम में सवाल आया था प्लेन टेक्स्ट की डेफिनेशन, क्या आप लोग भी ऐसे लिखते, पढ़ो पढ़ो, डेटा बिफोर इनक्रिप्शन द ओरिजिनल डेटा नीड टू बी ट्रांसमिटेड एज अ, द ओरिजिनल डेटा टू बी ट्रांसमिटेड एज अ मैसेज, द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट व्हिच इज नॉट अंडरस्टैंड। ये तो आपको पता था, ये नहीं लिखा हुआ बच्चों, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये डायग्राम आपको बनानी होगी, कौन से पेज पे बनाओगे, सिमेट्रिक का लिखा हुआ 128 पे ये डायग्राम बनाएंगे नीचे। वही है ना ये जो मैंने पढ़ाया, और मुझे बताओ why do we do not use, क्या why, मतलब हम क्यों use नहीं करते बेटा symmetric encryption, risky होता है, क्यों risky होता है बेटा, same key is needed to encrypt or decrypt a message। बच्चों उसके बाद हम asymmetric पढ़ते हैं, asymmetric encryption क्यों secure होता है, क्योंकि इसमें दो होती है public और private, public और private key की वजह से ज्यादा secure होगा, और ये asymmetric encryption is highly reliable। सही बच्चों, इंक्रिप्शन को खत्म करूं, सही, आज की क्लास में यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं, थैंक यू वेरी मच।